आप देखें अपनी वार्ता, एक इतनी शानदार चीज़ें दिखा रहे हैं हरिद्वार में। वैसे हरिद्वार की बात की जाए तो अनेक प्रकार के यहाँ मंदिरें हैं, देश दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार की भ्रष्टाचारी भी उसी से कम नहीं है। अगर परिवहन विभाग को इतना कम से कम सोचना चाहिए कि ये नेशनल हाईवे है, पूरी जो चल रही है ये हरिद्वार से देहरादून जाने वाली नेशनल हाईवे है, और ये उसके पड़ोस का नाला है, अगर रात में किसी प्रकार का कोई कुछ होता है तो आकर के नीचे इसमें गड्ढे में गिरेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को इतना कुछ नहीं पता है कि अगर जब रोड बन रही है तो रोड के साइड से रेलिंग, भाई ये गड्ढा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रेलिंग नहीं है, चलो तो दुकानदारों का समझे जो वहाँ पर वो लगा दिए बोर्ड कम से कम, तो उधर से कुछ प्रोटेक्शन मिली, इधर से कोई प्रोटेक्शन है? अगर यहाँ पर कोई रात में या दिन में गाड़ी आके स्पीड में अगर सीधे जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। अब ऐसे सरकार को क्या कहा जाए, क्या विकास किया जा सके जो नेशनल हाईवे के किनारे अगर इस तरह के